प्रो कबड्डी सीजन 9 की 26th मैच खेली जाने वाली है बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में। इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को, जानेंगे हर एक प्लेयर की अब तक क्या स्ट्रेटेजी रही थी प्रो कबड्डी में, इस टीम की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है इस अपकमिंग गेम में। इन शॉर्ट पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस गेम को। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @targetrank1 भी सर्च कर सकते हो। वहां पर आपको डेली ड्रीम 11 के लिए टीम्स मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल वॉरियर्स के स्टार्टिंग 7 के बारे में। बंगाल वॉरियर्स के सेंटर में होने वाले टीम के कैप्टन और मेन रेडर मनिंदर सिंह, और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे राइट एंड पे ऑलराउंडर दीपक निवास हुड्डा और लेफ्ट एंड पे श्रीकांत जाधव। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पर होने वाले हैं वैभव गजरे और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं बालाजी डी। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं शुभम शिंदे और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं गिरीश एरनक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में। जयपुर पिंक पैंथर्स के सेंटर में होने वाले इस टीम के सबसे मेन रेडर अर्जुन देशवाल, और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे राइट इन पे राहुल चौधरी और लेफ्ट इन पे वी अजित कुमार। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होंगे टीम के कैप्टन सुनील कुमार और लेफ्ट कवर पे होंगे अभिषेक केएस। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे साहुल कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे अंकुश। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स अब तक 14 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से 10 बार बंगाल वॉरियर्स जीते हैं और 4 बार जयपुर पिंक पैंथर्स जीते हैं। बंगाल वॉरियर्स की टीम में अब तक भले मनिंदर सिंह इस टीम के मेन रेडर रहे हो, लेकिन इस मैच के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दीपक निवास हुड्डा और श्रीकांत जाधव के लिए। दीपक निवास हुड्डा अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में हमें उतना प्रभावशाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये मैच उनके लिए भी एक मौका होने वाला है। दीपक निवास हुड्डा और श्रीकांत जाधव दोनों ही लेफ्ट साइड से रेड करने वाले रेडर्स हैं, वेरस मनिंदर सिंह एक राइट रेडर है। अगर मनिंदर सिंह रेड करने जाते हैं तो यहाँ पर डिफेंस करने के लिए उनके सामने होंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के लेफ्ट कॉर्नर अंकुश और कवर पे होंगे राइट कवर सुनील कुमार। और अगर जयपुर पिंक पैंथर्स के डिफेंडर्स को देखे तो फिलहाल इन फॉर्म चल रहे डिफेंडर्स भी यही दोनों डिफेंडर्स है। लास्ट मैच में इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, और इसलिए इस मैच में अगर इसी फॉर्म में वो खेलते रहे तो मनिंदर सिंह के लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यही अगर हम बात करें दीपक निवास हुड्डा और श्रीकांत जाधव की, तो वो लेफ्ट साइड से रेड करने वाले रेडर्स हैं, यानी उनके सामने होने वाले हैं राइट कॉर्नर शाहुल कुमार और लेफ्ट कवर पे होंगे अभिषेक केएस। अब इन दोनों में से शाहुल कुमार एक बहुत ही खतरनाक डिफेंडर है, हालांकि इस सीजन में वो उतने टैकल्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो है खतरनाक डिफेंडर। लेफ्ट कवर अभिषेक केएस पर वो निशाना साध सकते हैं। यही दूसरी तरफ अगर हम जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स की बात करें तो जयपुर में तो मेन रेडर्स अर्जुन देशवाल ही होने वाले हैं, लेकिन जैसा हमने लास्ट मैच में देखा कि किस तरह से अर्जुन देशवाल को खामोश रखा गया था। लेकिन डोंट वरी, उनका साथ देने के लिए अब राहुल चौधरी भी टीम में है, जो अब धीरे धीरे अपनी फॉर्म पकड़ रहे हैं। इन दोनों रेडर्स का सामना होने वाला है बंगाल वॉरियर्स के डिफेंडर्स के साथ। अर्जुन देशवाल एक राइट रेडर है, यानी उनके सामने होने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स के लेफ्ट कॉर्नर गिरीश एरनक। गिरीश एरनक बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो जितने पॉइंट स्कोर कर रहे हैं उतने ही अनसक्सेसफुल टैकल भी कर रहे हैं। हमने उन्हें काफी इजिली टेम्प्ट होते हुए देखा है। अर्जुन देशवाल उनके सामने जाए और एकदम अलर्ट होकर उनके सामने फुटवर्क करे और इंतजार करे कि कब गिरीश एरनक मुझ पर अटैक करे, और उस वक्त वो एस्केप करके निकल ले तो अर्जुन देशवाल काफी बढ़िया पॉइंट स्कोर कर सकते हैं गिरीश एरनक के सामने से। गिरीश एरनक को एडवांस टैकल्स को अवॉइड करना होगा। राहुल चौधरी की दोनों साइड से रेड करने की स्किल यहां पर काफी ज्यादा काम आ सकती है। वैसे थर्ड रेडर के तौर पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम में वी अजित कुमार है, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा था कि उन्हें सब्स्टिट्यूट कर लिया गया और भवानी राजपूत टीम में आए थे और उन्होंने पूरे 5 पॉइंट्स कमाए, तो चांसेस है कि इस बार हमें भवानी राजपूत मेन स्टार्टिंग 7 में ही नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि तीनों रेडर्स फिर अच्छे से पॉइंट स्कोर कर पाएंगे। प्रो कबड्डी सीजन 9 में बंगाल वॉरियर्स अब तक 4 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से वो 3 मैचेस जीते हैं और 1 मैच हारे हैं। वेरस जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करें तो वो भी अब तक प्रो कबड्डी सीजन 9 में 4 मैचेस खेल चुके हैं और वो भी 3 मैचेस जीते हैं और 1 मैच हारे हैं। तो अब तक इन दोनों टीम्स के बारे में जितना भी कुछ हमने देखा है, जाना है, परखा है, उसके ऊपर से अनुमान लगाने की कोशिश करें तो ये लिटरली कह पाना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन फिर भी एकदम वाइल्ड गेस करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जीत होने वाली है जयपुर पिंक पैंथर्स की। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी।
सो गाइज ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो इस अपकमिंग गेम का। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस मैच में कौन जीतेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 9 टीम एनालिसिस सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत पैद्य मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।